निजरियान के स्कूल से पीटीएम हो चुका है। अभी हम आ चुके हैं घर, यहाँ पे बैठी हूँ पापा के रूम में। हम लोग देख रहे थे न्यूज और आज लंच में मैंने खाया था ये। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज है 19 अगस्त, आज का व्लॉग थोड़ा शाम से स्टार्ट हुआ, पहले सुबह स्टार्ट हुआ था, इनके पीटीएम में गए थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तेरा बड़ी उम्र हो। और जो आपको देख रहे हैं उनसे भी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटो बड़ो कमी का प्यार भरा सलाम, अल्लाह सबको खुश रखे। और जो डेला में बहुत सारे लोग मिले थे वो बहुत ज्यादा आपकी तारीफ कर रहे थे, सलाम दे रहे थे, तो हमने उनका सलाम आपको दे दिया। हाँ, उनकी उनको भी अम्मी का सलाम। हाँ जी, ठीक ठाक ठीक। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और क्यों जा रहे हैं वो तो आपको सर नहीं बताएंगे। वैसे हम सबको खुशी है, लेकिन इन्हें तो कुछ ज्यादा ही अलग खुशी होगी। कल आ रहे हैं मम्मी पापा, आ रहे हैं ना कल, तो अम्मी पापा आ रहे हैं कल, तो बस हमें छोटी मोटी चीज ऐसे मैंने आपको बताया था लेना है, कुछ रजा के लिए भी हमें कुछ कुछ काम है, कुछ अम्मी को काम है, तो हमने सब साथ में ही चलते हैं। और क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो तो हम आपको वहीं पे ही दिखाते रहेंगे। आउटफिट पता है, आपने मुझे कानपुर से दिलाया था शादी के बाद, अम्मी ऋतु कुमार का था, सेल में मिल रहा था कानपुर में, तो ले लिया था, लेकिन इसका दुपट्टा नहीं था, तब से रखा हुआ था। फिर अम्मी ने दुपट्टा करके लेस वेस लगा के सब रखा था, फिर मैंने आज पहन लिया। अच्छा लगा। हाँ, और आप भी अच्छी लग रही है दुपट्टा से। सो आ रहा है। हाँ, दुपट्टे से तो पूरा रौनक आती है सूट में। बेटी खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा रहे हैं, और फ्रेंड्स बेटी खाला अभी आज नहीं जा रही, वो कह रही है वो फिर अगली दोबारा में चलेंगे। पक्का पक्का। आ चुके हम लोग लोकल वाला, यहाँ से कुछ चाय वाय पीते हैं हाई पॉइंट से, उसके बाद फिर चलेंगे। स्पेशली आए हैं कपड़े लेने, रिजा के ड्रेसेस बनाने के लिए। क्यों बनाना है, कैसे बनाना है वो आपको बाद में बताते, चूज कर लेते हैं। ये कपड़ा दीजिए, इसमें कोई प्रेस वगैरह की जरूरत नहीं। तो यहाँ से तो हमारे काम हो चुके हैं, अभी हम चलते हैं कहीं और। तो अभी हम यही लोखन वाला में शॉप पे आए, यहाँ से लेना मुझे व्हाइट बेडशीट। थैंक यू। ये डबल की है, प्रिंट वाली है क्या? क्या प्राइस है? 15,000 है पूरी डिस्काउंट में, 11,000 नहीं। सोसाइटी स्टोर, यहाँ से कुछ कुछ ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं। अम्मी आपकी सैलेड की भी चीज है? अच्छा, ब्रोकली। अरे टमाटर के बच्चे, मीठे रहते। और क्या लेना है अम्मी? बस हैंड वॉश भी ले लिया। और यहाँ पर रिजा ऐसे इसका ऑयल कहाँ है? फ्रेंड्स वैसे ऊपर सारी चीजें हैं, लेकिन अम्मा पापा आ रहे हैं तो हम लोग याद कर करके सारी चीजें रख रहे हैं कि कुछ मिसिंग ना हो, जैसे कि नेल कटर, क्योंकि मैं कभी नीचे से भी ले लेती हूँ, कभी कोम वोम ले लो। कपड़े धोने का पाउडर है, ये आप क्या ढूंढ के लाए? खाना है। अच्छा, ये यहाँ से भी सब कुछ ले लिया, अब चलते हैं घर। शॉपिंग करते करते बहुत ज्यादा थकान हो गई, एनर्जी चली गई है, तो जूस पी लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सब्जी लेने लगी है, तो ये ले लो। थैंक यू। बहुत देर से काम कर रहा हूँ, इसलिए बनवा दिए मेरे लिए। चलो मूंगफली भी ले ली। अच्छा किया। तो नीचे आ चुके हैं घर। आज बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, खड़े 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 तब हो गए। रिजा को कौन कौन से कपड़े लिए हैं, फाइनल वाले वो आपको दिखाती हूँ, और बेटी हाला को भी दिखा देती हूँ। इसको ऐसे सिंथेटिक कपड़ों के फ्रॉक्स चाहिए थे, तो इसीलिए कपड़े हम लेके आए। एक हो गया रेड, दूसरा हो गया ये, ऐसे जैसे फ्रॉक पहने हुए ना इस तरह की, इसको फ्रॉक बनवानी है। ये भी है चीता प्रिंट, चीता वाला। ये भी है, अच्छे से देखो। देख तो रहे, इतने सारे लेके आ गई हो। ये भी है जो मुझे कपड़ा चाहिए, पूरे धान उठा के ले आई। ये लो एक, ये भी है, ये भी है, तो ये भी है। इसका सूट सिलवा लेना, प्लाजो कुर्ता है, इसके सिल जाए तो एक ये वाली है, कुछ उस दिन पहने थी, दोनों कहना गड़ंत करके ऐसे रख ले। नहीं ये भी नहीं, पहन पहन के वो ब्लू वाली वो फ्रॉक, और एक ये इनकी जान निकाल ली है। बहुत अच्छी है। और ये सारे कपड़े एक साथ दिलाने का ये मकसद है कि आप सबने रिजा को हमेशा वो दो ब्लू फ्रॉक में देखा होगा। उसका रीजन ये है कि उसको वो दो फ्रॉक ही कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि वो सिंथेटिक है, उनमें मतलब ज्यादा सिकड़न नहीं होती है, थोड़ी लूज
शूज है। अच्छा देखो, हाँ जल्दी से निकाल के वही पहन लेती हूं। इस बात पे मतलब कोई मोटे पतले की बात नहीं है। अब जैसे मेरा भी वजन बढ़ गया तो मुझे भी लगता है कि मैं ढीले कपड़े पहनूं, कंफर्टेबल कपड़े पहनूं। तो किसी का भी अगर थोड़ा वेट होता है तो उसको ना ज्यादा आराम चाहिए होता है उसको ना। आप ये सोचो कि कुछ ऐसा पहन ले, टाइट पहन ले, अलग अलग पहने। हम भले उसे जिद करते रिजा को कि रिजा कुछ डिफरेंट पहन लो, कभी जीन्स भी पहन लो, कोई बात नहीं, सबका वजन होता है, सब पहनते, लेकिन उसे अंदर से नहीं अच्छा लगता, इसलिए हम उसे फोर्स नहीं करते। उसे जो अच्छा लगता है, अगर उसको लॉन्ग मैक्सी वाला पैटर्न अच्छा लगता है या मिडी टाइप, तो वो ही ठीक है। इसलिए हमने उसे ये कपड़े दिलाए कि कम से कम मुझे दो फ्रॉकों में आपको दिखती है हम सबको। हालांकि कपड़ा इसलिए कपड़े नहीं उसके उसके भी कपड़ा बराबर से आते हैं, कपड़े बहुत है लेकिन पसंद होती है अपने। ऊपर आ चुके थे फ्रेंड्स, डिनर किया, उसके बाद अभी हम लगने लगे काम में, पहले चेंज करूंगी और उसके बाद बहुत सारा काम है। जो सारा सामान लेके आए उसे किचन में डब्बों में डाल के अच्छे से रख है। ये न्यू गद्दा हमारा आ चुका है जो हम ऑर्डर देके आए थे, इस पे बेड कवर डालना है जो हम लेके आए थे। तो भी बहुत सारी चीजें हैं और फिर सनी की अम्मी आ रही है तो फिर तो ऐसा लगता है मेरे मम्मी पापा, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं और हम बहुत सारी चीजें तैयारी। मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी है इस चीज की कि अच्छे से सारी चीजें हो जाए। हाँ, क्योंकि इससे पहले जब वो लोग आए थे तो बहुत कम टाइम के लिए, एक दो दिन के लिए हम लोग को उमरा पे फिर निकलना था। ये वाला रूम दिख रहा है अभी इस तरीके से, अभी इसको चेंज करते हैं यहाँ से। और एक हमारा यू हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, जितना भी साफ कर ले होना उसको लास्ट में ऐसा ही है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मतलब मेरी नहीं है, कुछ तो गिफ्ट्स हैं, लोग इरफान लोग के बैग्स हैं, इरफान जिसमें लेटता है वो गद्दा है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वाला रूम तब भी ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि मैं कर देती हूँ यहाँ। बस ये इंस्टाग्राम के काम के पार्सल ही तो आते ही रहते हैं, तो ये तो इकट्ठा होते ही रहते हैं, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, एक साथ अनबॉक्सिंग कर लेंगे। उधर कर दो, तो हमने भी कुछ सामान वहाँ डाल दिया, हमने कुछ सामान इसमें अंदर डाल दिया, कुछ सामान यहाँ डालते हैं। ये सामान कहाँ से दे रही तुम ढूंढ ढूंढ के? ये अंदर करना है क्या इनको? वहाँ डाल दूं ऊपर यहाँ पे? तो अभी उस वाले रूम का हो गया सारा सामान सेट, बड़ा फैला हुआ है भाई। तुम्हारे लिए आई थी। कब? जब वहाँ से आए थे। अब क्यों दे रही है ऐसे? ये बच्चा, इंसान की छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती है, पता है? थैंक यू। चलिए दिन भर सब कुछ टेंशन भी लेती है साथ में कुछ भी करती है, अल्लाह तुम्हें हमेशा अच्छा रखे। ऑलमोस्ट हो गया, बहुत थकान हो गई, अभी सोने लगे हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। पता है क्या हो गया, जो हमने बेडशीट ली थी उसके बाद हम गए सोसाइटी स्टोर, एंटर करने से पहले वो काउंटर पे बैग्स रखवा देते हैं ना, निकलते वक्त हम लोगों को लेना ही नहीं ध्यान रहा। और बेडशीट जो हमारे पास है ऐसे ऑरेंज कलर है या डार्क ब्लू है, अभी हमें वो नहीं डालनी थी। इंशाल्लाह कल टाइम रहेगा तो मैं जाके लेके चेंज कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मम्मी पापा लोग आ रहे हैं, तो अभी हो रहा है 8:30 और मैं निकल रहा हूँ स्टेशन के लिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं बचे हुए काम कर लेती हूँ और सनी निकल गए अम्मा पापा को लेने जाने के लिए। हम लोग पहुँच गए हैं CST और ट्रेन भी आने वाली है। बस हजरत निजामुद्दीन से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर थोड़ी ही देर में आ रही है। सारे काम हो चुके हैं, खाना जो है वो आंटी बना रही है। हमने आपको बताया नहीं था क्योंकि मौका ही नहीं मिला, तो हमने सुबह के खाने के लिए एक आंटी रखी हुई है, हमारे पहचान की, वो सुबह का खाना जो है वो बना देती है और शाम का जो भी हम लोगों को बनाना होता है हम कर लेते हैं, हेल्प हो जाती है। अभी बेड शीट जो कल हम भूल आए थे वो लेके यहाँ पे आ गए। ट्रेन आ गई है, इंतजार की घड़ियां खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी पापा लोग पहुंच गए, चलते हैं घर फटाफट। जब से ये घर बनवाया था फ्रेंड्स, मुझे ये गोल्डन ऐसा राउंड वाला फ्रेम चाहिए था, इतने दिनों से मिल ही नहीं रहा था, मतलब जिस शॉप से हम लेते हैं ना वहाँ अवेलेबल ही नहीं था ये गोल्डन मेटल, तो अब आया था तो फिर उन्होंने बना के भेज दिया। तो वो लोग बस नीचे तक आ ही गए, हम लोग चल के देखते हैं ऊपर से। तुम भी दिख जाके अपनी अम्मी अम्मी के पास हो जाओ, सुबह से मेरी अम्मी में लगी हो। अभी सबने रेस्ट कर लिया है, फ्रेश हो गए, अभी कर लेते हैं लंच। यहाँ पे होने लगी अब खाने के तैयार। क्या क्या है खाने में? एक से लखनी पुलाव है, बाजी बहुत शानदार खाना बनाती है भाई। आ गए
भाभी अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है? अच्छे से? अस्सलाम वालेकुम। अभी हो रहा है 5 और मैं सो के उठ गया हूँ और अम्मा भी सो के उठ गई है और सबा की अम्मी लोग, खाला लोग, सब लोग मिलने आई है, दोनों दूसरे वाले रूम पे बैठे हैं, चलो चलते हैं वहाँ। अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय पापा के लिए। मेरा चक्कर ही बनाना लेकिन। हाँ, पता है मुझे भी। ऐसे कर रहे हैं, पहली बार नई नई बहू आई हूँ। क्या कर रहे हो ऐसे लेट के? हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं, अपना वाला, डेला वाला। यस, कैसे हैं आप? ठीक है? क्या देख रहे हो? अरे बड़ा देख रहे हो क्या? और क्या हाल चाल? अभी इस वक्त बज गए 8:30 और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर तक कुछ काम से। आगे तो इरफान के लिए जो फ्लैट हम लोग आसपास देख रहे हैं वो देखने के लिए अम्मा और हम सब गए थे। चलो भाई जल्दी फटाफट करो, खाना खिलाओ। बेटा हम रोटी नहीं खाएंगे, आप खाली चाय। ये सदाब भाई हमारे आ गए हैं, मोहदास कैसे लग रहा है मुंबई? ठीक है, ठीक है, ठीक कैसा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सबका खाना हो गया। यहाँ पे चल रही है किचन की सफाई, अब सफा फ्री हुई है, अब जा रही थोड़ी देर के लिए नीचे, जा हो के आ जाके। चप्पल मेरी कहाँ पहन के जा रही हूँ? आप ही की चप्पल पहन के जा रही हूँ। अम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, अम्मी को भी देख के आ रही हूँ। कहीं मेरी आंखें झूठ तो नहीं देख रही है? पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई देखेगी तब। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, टॉपिक क्या है? जूलियस इधर का। तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हो? मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट है बायो का, पूरा मैंने कर दिया है, बस मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तभी तब ठीक है, दवाई खाई अभी आराम है। पापा क्या देख रहे हो? साउथ इंडिया। सावधान इंडिया। ओए ये बिल्ली कहाँ से लाए हो? अरे ये रूहान का एक एक क्यों नहीं लिखा आया? कैसे एक है? अरे उन्होंने एक ही लिख दिया। कितनी क्यूट है। वी बॉट दिस कैट फॉर रूहान, ही इज कंप्लीटेड 2 इयर्स। 2 इयर्स नहीं, 2 मंथ। रूहान जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये क्यूट से बिल्ले से खेलेगा। रूहान को ना आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे रात में 12 बजे। फ्रेंड्स अब मैंने बेटी खाले से बोल दिया, बेटी खाले देखो अगर ये इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं करे या शर्माए या कुछ भी करे तो अब तुम्हें इन्हें डांटना है। हाँ, तो अब बेटी खाले इनकी मार लगाएगी। तो क्या बोल रही थी तू? आई एम स्टडीइंग। क्या? अगर तुम उसे ग्रीन टी या गर्म पानी कुछ भी मांगोगी तो इंग्लिश में जवाब देगी। तो प्लीज टेक दिस ग्रीन टी। थैंक यू। बोलो इट्स वेलकम। आज के बाद इंग्लिश से बात करोगे जी? ठीक, ठीक है, जो भी तुमसे बोलेंगे तुम इंग्लिश में जवाब देना है। Done? ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोगों से हिंदी में नहीं, आपको भी इंग्लिश सिखाएंगे। दोनों को समझा दिया, हम सुनू नहीं मैं। ठीक है, वादा। चलो देव भैया से भी। हाँ, देव भैया, देव भैया अगर ये हिंदी में आपसे बोले ना तो इनको डांटना। ठीक है, ठीक है। ये तो मैं कल पहनने जाने के लिए कपड़े निकाल के लाई हूँ अम्मी की अलमारी से। मांग के लिए आई हुई। ये देखो भाई ये चाय बन रही, रात के 12 बजे कौन चाय पीता है? फ्रेंड्स मैं आ रही थी पहले चाय बनाने के लिए, लेकिन इरफान ने बोला मैं बना देता हूँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नेकी और पूछ पूछ हमारी ये बोतल आई, इसमें हमारा पूरा खानदान पानी पिएगा। इसको हम कल ले गए, हम, हमारी अम्मा, हमारे अब्बा और हमारी बीवी सब एक बोतल पूरे पानी पी लेंगे। ये पूरे बोतल नहीं है, बोतल का अब्बा है। बाटला बाटला ही बोलते हैं यहाँ पे। पूछ ले, ये जो ये ना ये उसको बाटला ही बोलते हैं। वो बाटला है, बट ये थोड़ा बाटला। न्यू मिरर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स मिरर की वजह से ना जो आपका रूम है, हॉल है, हर चीज बहुत बड़ी बड़ी रहती है। हमें 2 चेयर और लेनी है बस। क्यों? एक इसके सामने रखेंगे, एक इसके सामने, तो तुम इसमें काटोगी बाल वाली, मैं यहाँ दाढ़ी वाली बनाऊंगा। सैलून लग रहा है आपको ये? जैसे पहले बचपन में सैलून लोग गए ना तो लकड़ी की कुर्सी होती थी, एक ऐसा शीशा होता था सामने। हाँ। उसने पटला लगाया, बैठा दिया और फटफट बाल काटे हो गए, तो बाकी 2 लग गए। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और आज मुझे लग रहा है काफी दिनों के बाद एक साथ हम सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो आज हमारी चाय की चर्चा खत्म हो गई है। और चाय चाय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और चाय पीने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जल गया, थैंक यू। कल हम ग्रोसरी की शॉपिंग करने गए थे ना सोसाइटी स्टोर, वहाँ पे मुझे ये सेंटेड कैंडल दिखी थी, तो आज मैं इसे जला के थोड़ी देर बैठूंगी। अल्लाह का शुक्र, तो मुझे नहीं कहा कि मैं जला के सोऊंगी। मैं बोलने वाली थी, मैंने सनी का रिएक्शन देखा तो मैंने जला के बैठूंगी सोऊंगी बोलने वाली थी। नहीं सो सकते? नहीं, धोखे से भी नहीं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फील होता है। तो ये चला गया अपनी जगह पे।
खुशबू तो अच्छी आ रही है ना। और फ्रेंड्स ब्लॉग एंड करने से पहले मुझे आपको दिखाना था बहुत प्यारा सा गिफ्ट जो अम्मा मुझे लेके आई है, मेरी फेवरेट चीज है नारियल। जो अम्मा ने बोला बेटा हम तुम्हारे नारियल लेके आए, मुझे इतनी खुशी मिली है क्योंकि मदाम में मैंने कंटिन्यू खाए थे इतने दिन, तो यहाँ के नहीं मिले थे और अम्मा ने बिना पूछे ये सरप्राइज लेके आई है, तो बहुत अच्छे लगे। ये सारे नारियल जो इधर रखे हुए हैं। और दूसरी ये मेरी फेवरेट चूड़ियां, अम्मा ने बिना बताया लिया ये ना। हाँ मतलब उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने हमसे पूछा बेटा क्या लेके आना, हमने कहा कुछ नहीं लाना बस आप आ जाइए, ये वो बिना बताए लेके आई और मेरी फेवरेट चीजें लेके आई। तो एक तो ये है ग्रीन है नारियल टूट गया। इतना पानी निकला है बस, इतना सा पानी बस, अभी रात है ना थोड़ा ही खाऊंगी, ये वाला दे दो। आज का दिन बहुत अच्छा था, घर इतना भरा भरा है, बहुत रौनक सी है, बहुत मजा आ रहा है और हमें कल जल्दी भी उठना है, इसलिए अभी हम सो जाते हैं। अम्मा पापा को पहले हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप्स के लिए, उसके बाद उन्हें घुमाने भी जाना है, जो भी करेंगे आपको बताएंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है थोड़ा भी तो प्लीज से लाइक कर लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं मेरे वीडियोस देखने के लिए, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, आपसे मिलती हूँ कल। कैंडल मेरी इस साइड है ना, तो मैं साइड लेटूंगी, आप उधर जाइए प्लीज प्लीज फ्रेंड्स देखो ये उधर नहीं जाए। अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिली, मर गई। और क्या, हमारी कैंडल तो है नहीं है। तब आ जाए, आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज चैनल पे आते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।